अच्छा सुभानअल्लाह, यहाँ पर मसला ये अटका हुआ था, मामला यहाँ पर ये था कि यजीद इस्लाम में रद्दो बदल करना चाहता था, जो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ था। इमाम हुसैन ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, जब तक जिस्म के अंदर वो है हम ऐसा नहीं होने देंगे, कुरान में तब्दीली नहीं होने देंगे, शरीयत में कोई तब्दीली नहीं होने देंगे, बस इसी पर इमाम हुसैन और यजीद से झगड़ा हो गया। कर्बला की पूरी कहानी आपको मालूम है, इमाम हुसैन कर्बला की मैदान में शहीद हो गए और अकेले इमाम हुसैन नहीं शहीद हुए। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि कर्बला की शहादत आपको पता है, जब इमाम हुसैन शहीद हुए उसके बाद कोई इंसान कर्बला में शहीद नहीं हुआ। कर्बला में जब इमाम हुसैन शहीद हुए उसके बाद कोई शहीद नहीं हुआ।